अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा अकबर है और मेरा ताल्लुक आगा खान यूनिवर्सिटी में शोबा जेनेटिक काउंसलिंग से है। डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न्स पे जाने से पहले ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत ये समझना, ये चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में से तो हजारों डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये नायाब या रेयर डिसऑर्डर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये हजारों लोगों में किसी एक शख्स में ये डिसऑर्डर मौजूद होता है। तो अक्सर और बेशतर उनकी डायग्नोसिस तक पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हम जब इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो वो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा तादाद में लोगों में पाए जाते हैं। जो मौरूसी अमराज होते हैं वो जनरली ओवरऑल पूरी दुनिया में रेयर डिसऑर्डर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अक्सर और बेशतर उनकी डायग्नोसिस तक पहुंचना एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरह से नहीं हो पाता, और इसमें काफी सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। आपके अगर ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट अक्सर सस्पेक्ट करते हैं कि शायद ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो वो जेनेटिक टीम के साथ काम करते हैं और जेनेटिक डायग्नोसिस की तरफ पहुंचते हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि इवन हमल के दौरान ही पता चल जाते हैं, या इतने सिवेयर होते हैं कि हमल ही खत्म हो जाता है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों में पैदाइश के कुछ महीनों, कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद ही अपना असर दिखाते हैं। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे की पैदाइश के चंद सालों के बाद अपना असर दिखाते हैं, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बचपन में अपना असर नहीं दिखाते और एडल्टहुड में अपना असर दिखाते हैं। तो अक्सर और बेशतर जब हम वालिदैन से बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, तो उनके जहन में ये सवाल होता है कि हमारा जो हमारी औलाद है या हमारा बेटा या बेटी है जिनमें अब जाके वक्त के साथ जाके एक जेनेटिक डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बनी है, तो उन पेरेंट्स का अक्सर सवाल ये होता है कि हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था तो बिल्कुल ठीक था, तो क्या वक्त के कुछ अरसा गुजरने के बाद भी मौरूसी मर्ज अपने आपको एग्जिबिट कर सकता है या शो कर सकता है? तो ये बिल्कुल बात ये है कि मौरूसी अमराज, हर मौरूसी मर्ज ऐसा मर्ज नहीं होता जो पैदाइश के तौर पे ही अपने आप को दिखाता है। कुछ जेनेटिक अमराज बाद में जाके कुछ महीनों, कुछ सालों बाद जाके अपने आप को दिखा सकता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि एडल्टहुड में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो मुख्तलिफ इकसाम के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और उनकी एज ऑफ ऑनसेट भी बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। तो कोई चीज का मौरूसी होना का मतलब ये नहीं है कि वो पैदाइश के वक्त ही अपने आप को एग्जिबिट करेगा। तो ये एक चीज है जो कि हम सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद अगर हम आ जाएं डिफरेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस पे, तो हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स इनहेरिट किए जाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स की तरफ हम कुछ देर बाद बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स की तरफ के बारे में। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी आबादी में ज्यादा पाए जाते हैं कंपेयरिंग विद वेस्टर्न पॉपुलेशंस। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक कल्चरल प्रेफरेंस होती है कि खानदान में शादी की जाए, या कम्युनिटी में, या अपने ट्राइब में, अपने जान पहचान के लोगों में की जाए। तो ये डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जब दोनों कॉपियों में एक फर्क मौजूद हो। तो अगर हम यहाँ पे देख सकें इस फैमिली ट्री में, हम देख सकते हैं कि ये एक फर्स्ट कजन्स का फैमिली ट्री है, जिसमें अगर दोनों वालिदैन, वालिद और वालदा कैरियर होते हैं तो बच्चों में मर्ज के जाने का 25% चांस होता है। तो बच्चियां और बच्चे दोनों जो हैं उन बच्चों में रिस्क होता है कि ये मर्ज आ जाए, और 25% चांस होता है, और हर आने वाले हमल में ये चांस रहता है। तो अगर हम देख सकें तो इस ये अमराज दोनों लड़कों लड़कियों में मौजूद होते हैं। इसमें वालिदैन बिल्कुल
सेहतमंद होते हैं और उनके बाद जाके उनके सेहतमंद वालिदैन के बच्चों में ये मर्ज आ सकता है। तो स्किपिंग ऑफ जनरेशन हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नस्ल दर नस्ल ये मर्ज मौजूद होते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पे जाके अपने आप को शो कर सकते हैं। अक्सर और बेशतर वालिदैन अफेक्टेड नहीं होते, जो जिसकी वजह से ये वालिदैन को ये चीज समझने में ज्यादा दुश्वारी होती है कि वो किस तरह से बच्चों में मुंतकिल कर रही है अगर बिल्कुल ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मर्ज का कैरियर होना, मतलब कि दो में से एक वालिदैन की दो में से एक कॉपी में ये फर्क होता है, और जब वो कॉम्बिनेशन बच्चे में जाता है तो वो दोनों कॉपीज में जब फर्क आ जाता है तो बच्चे में वो मर्ज सामने आता है। और हर हमल में ये 25% का चांस होता है कि बच्चा या बच्ची, मतलब बेटा या बेटी इस मर्ज में मुबतला हो, और 75% ये चांस होता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो। और ज्यादातर ये अमराज कंसेंगुनस मैरिजेस या फैमिली में होने वाली शादियों के नतीजे में पाए जाते हैं। ऐसा भी हम देखते हैं कि उन लोगों में जिनमें फैमिलीज में शादी नहीं हुई उनमें भी ये डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन रिस्क कुछ ज्यादा बढ़ जाता है अगर फैमिली के अंदर शादी हो, इसलिए क्योंकि कुदरती तौर पे हम सब किसी ना किसी जेनेटिक मर्ज के कैरियर हो सकते हैं। कैरियर होना हमारे इख्तियार में नहीं है, ये एक नेचुरल या बायोलॉजिकल फिनोमेना है। अगर लेकिन क्योंकि जेनेटिक लेवल पे अगर दोनों वालिदैन किसी एक मर्ज के कैरियर हो तभी बच्चे में जाके वो मर्ज मुंतकिल होने के 25% चांसेस होते हैं। तो क्योंकि फैमिली में जब शादी होती है तो कजन्स जेनेटिक लेवल पे ज्यादा सिमिलर होते हैं कंपेयरिंग विद दो ऐसे लोग जिनका फैमिली ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि हमें पता है कि जब फैमिली में हम शादी करते हैं या फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनमें जेनेटिक लेवल पे सिमिलैरिटी होती है, तो जब दो कजन्स की शादी होती है तो उनका की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दो कजन्स किसी एक ही मर्ज के कैरियर्स हैं। और जब वो एक मर्ज के कैरियर होते हैं तो फिर उनके आने वाली औलाद में 25% रिस्क होता है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन इन बच्चों में मौजूद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वालिद भी कैरियर, दो में से एक जीन में डिफेक्ट मौजूद है, और वालदा भी कैरियर है, दो में से एक जीन में डिफेक्ट मौजूद है, और इसके नतीजे में पैदा होने वाली औलाद में तकरीबन 25% फिर चांस होगा कि उन्होंने दोनों वालिदैन से ये कॉम्बिनेशन लिया है जो डिफेक्टेड है। कभी कुछ फैमिलीज में हम देखते हैं कि कोई बच्चा जो है वो इफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि ज्यादा चांस यही है कि बच्चे में मर्ज नहीं होगा, लेकिन अक्सर फैमिलीज में हम देखते हैं कि एक से ज्यादा हमल उस प्रोबेबिलिटी में जाते हैं जो कम प्रोबेबिलिटी है, जो 25% या 25% की प्रोबेबिलिटी, और फिर हम एक से ज्यादा इफेक्टेड बच्चे देखते हैं। फिर हम बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर्स में जानने से पहले अगर हम की तरफ आते हुए हम ये देखते हैं कि ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें से दो में से एक कॉपी में अगर इफेक्ट हो तब भी ये मर्ज हो सकता है। अब कुछ डिसऑर्डर्स हमने पहले देखे, जो जो हमने ऑटोसोमल रिसेसिव देखे उसमें दोनों कॉपीज अगर खराबी या डिफेक्ट मौजूद हो तभी वो मर्ज आता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स वो हैं जिसमें दो में से अगर एक कॉपी में भी डिफेक्ट हो तो ये मर्ज बच्चे में आ सकता है। और इन अक्सर और बेशतर जब हम ये डिसऑर्डर्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर जनरेशन में इफेक्टेड लोग मौजूद हैं, और दोनों वालिदैन में किसी एक वालिद या वालदा में डिफेक्ट मौजूद होता है जिसकी वजह से उनके बच्चों में ये मर्ज आने का तकरीबन 50% रिस्क होता है। ये डिसऑर्डर्स भी दोनों जेंडर्स में मौजूद होते हैं और ये जनरेशन स्किप नहीं करते, और दोनों में से एक वालिदैन में दोनों वालिदैन में किसी एक में जरूर ये मर्ज नजर आता है। कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं जो कुदरती तौर पे सिर्फ एक हमल में मौजूद होता है जो कि ना वालिद ना वालदा से आता है, और उसको हम अपनी जबान में कहते हैं
डे नोवो डिसऑर्डर्स। तो न्यूरोलॉजी के एतबार से अगर देखें तो छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक एपिलेप्सी की कुछ ऐसी जीन्स हैं जिसमें जिनमें हम देखते हैं कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, लेकिन वो कुदरती तौर पे डिनोवो म्यूटेशंस होती हैं। वो ना वालिद ना वालदा से आ रही होती हैं, वो सिर्फ एक बच्चे में होती हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इस फैमिली में आगे आने वाले बच्चों में ये रिस्क नहीं होता कि और बच्चों में भी ये मर्ज आएगा। और अगर ये डिसऑर्डर्स इनहेरिटेड होते हैं, जिसका मतलब है वालिद या वालदा में से कोई एक पेरेंट अफेक्टेड होता है, तो फिर इन डिसऑर्डर्स का एक फैमिली में वापस आने का रिस्क होता है 50%। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वालिद अगर अफेक्टेड है तो 50% रिस्क है कि बच्चे भी अफेक्टेड हों। फिर हम आ जाते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की तरफ, जो कि ऐसे अमराज हैं जिसमें हम देखते हैं कि लड़के इफेक्ट होते हैं। इसमें खवातीन या जो वालदा है वो कैरियर होती है, और उनसे मुंतकिल होने वाली फॉल्टी जीन जो है वो 50% रिस्क देती है कि उनके बेटों में मर्ज आए। तो इसमें मेल्स अफेक्टेड होते हैं, सन्स आर बॉर्न टू अनअफेक्टेड मदर्स। इसका मतलब ये है कि अफेक्टेड जो लड़के हैं उनकी अनअफेक्टेड वालदा होती हैं, और ये चीज मुंतकिल वालिद से मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होती। मतलब ये वाले डिसऑर्डर्स बाप से बेटे में नहीं जा सकते। इसी तरह एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वो डिसऑर्डर जो के बेटियों में बेटों से ज्यादा पाए जाते हैं, तो इसमें ज्यादा अफेक्टेड फीमेल्स होती हैं कंपेयरिंग विद मेल्स। इसमें भी जनरेशन स्किप नहीं होती, मतलब कि हर जनरेशन में नस्ल दर नस्ल ये डिसऑर्डर्स मौजूद हो सकते हैं।